चलिए हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के, क्योंकि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका वेटेज है वो 500 मार्क्स का है मेंस में। ओके, तो आपको इसको लेकर के कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। बहुत बड़ी मिस्टेक अगर कर देंगे तो एक दो अटैम्प्ट देने के बाद अगर आप इस पर दोबारा सोचेंगे तो आपके पास वो टाइम निकल चुका होगा। ओके, तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए तो आपके सारे डाउट्स हैं ऑप्शन को लेकर के क्लियर हो जाएंगे। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो जाहिर सी बात है आपको डाउट होगा ही होगा, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट होते हैं उन्हें भी डाउट बना रहता है इसको लेकर के। तो एक तरह से आप समझ लीजिए मैं आपको एक ऐसा मंत्र देने जा रहा हूँ जो आपके जो ऑप्शनल से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो सारे दूर हो जाएंगे, और कभी भी इन फ्यूचर अगर आपको डाउट होता है तो आप फिर से इसको निकालिए और दोबारा से देखिए, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आपका जो कन्फ्यूज़न है इस वीडियो को देखने के बाद, आप जो 10 लोगों से पूछते हैं ऑप्शनल के बारे में, बार बार मैसेज करते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं ना, वो आप नहीं रहेंगे इसके बाद। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है इसमें देखिए वेटेज होता है 500 मार्क्स का होता है, तो इसको आपको बहुत केयरफुली इसके बारे में सोचना है। तो सबसे पहले इसके बारे में कब सोचना है, तो अगर आप अभी नए नए आए हैं यानी कि यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोचे हैं तो अभी आप इसके ऑप्शनल के बारे में मत सोचिए। ओके, यानी कब तक, कम से कम 2 से 3 महीने तक आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जब 2-3 महीने 4 महीने अगर आप सिलेबस थोड़ा पढ़ लेंगे फिर उसके बाद में आपको सोचना है। ओके, तो आपको डिसाइड करना है, अगर आपके पास 1.5 से 2 साल है तो अभी तो ऑप्शनल के बारे में मत सोचिए कुछ दिनों तक। ओके, तो अब कब सोचना है ये बात होती है, तो आपको सोचना है कम से कम आपका जो जीएस का सिलेबस है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पीसीएस की, और जो आईएस है इसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ओके, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, तो उसका जो जीएस का सिलेबस होता है वो कम से कम आधा कवर हो जाए। मतलब कवर होने का मतलब एक बार आपको उसका ब्रीफली नॉलेज होनी चाहिए कि सिलेबस क्या है, उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। ओके, तो इस तरह का, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा प्रिपेयर हो जाए, प्रिपेयर होना और एक बार देखना अलग होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। ओके, तो आपको कम से कम सिलेबस एक बार आपको जीएस का पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको यूपीएससी के बारे में नॉलेज हो जाए। ओके, तो उसके बाद फिर आप इस जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसके बारे में सोचना स्टार्ट करिए। और दूसरे नंबर पे आपको क्या देखना है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, जैसे आपने ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट से किया है, क्या किया है। ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आपने ग्रेजुएशन और इंटर के समय आपने कैसे पढ़ाई की थी, यानी कि ऐसे ही आपने घर से बैठ के एक ऐसे पेपर देने चले गए या फिर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। ओके, आपका बैकग्राउंड कैसा है तो आपको ये देखना पड़ेगा। और साथ में एक बहुत बड़ा डाउट आता है, यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं तो देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाउट आता है, जो स्टूडेंट साइंस साइड से होते हैं या फिर आर्ट साइड से होते हैं, जो साइंस साइड से होते हैं उन्हें अधिकांश से डाउट रहता है कि वो साइंस साइड से हैं और वो जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं ऑप्शन वाला वो आर्ट साइड का लेना चाहते, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया या फिर इसी तरह का सोशोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट हो गया, वो आर्ट साइड के सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो क्या वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, यानी कि आपने बीटेक किया हो या फिर एमबीबीएस किया हो या फिर आपने और कुछ भी किया हो, बीएससी एमएससी कुछ भी की हो, ओके, आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं, यूपीएससी ने एक लिस्ट दे दी है कि ऑप्शन सब्जेक्ट होगी, उनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस बात को आप क्लियर कर लीजिए, आपका आप अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं और आर्ट के अगर आप ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, तो आपका एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया। ओके, और आप देख लीजिए आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपने स्टडी में कैसे पढ़ाई की थी, अब देखिए। और दूसरा, जब आप कम से कम देखिए, इसीलिए ये पहला वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जीएस का अगर आधा सिलेबस कवर कर लेंगे तो आप लगभग में मैक्सिमम सब्जेक्ट मेन मेन पढ़ चुके होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन से सब जो कौन सा सब्जेक्ट है उसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, उससे आप खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं। ओके, तो आपको मान लेते हैं अगर आपको ज्योग्राफी या फिर आपको हिस्ट्री, ओके, ये दो या फिर सोशोलॉजी या कुछ भी ले लीजिए आपको अच्छा लगता है, फिर उसके बारे में देखिए। ओके, उसके बारे में देखिए और उसके बाद आपको अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है फिर आपको क्या करना है, उसका सिलेबस निकालना है। ओके, तो एक बार सिलेबस से मैच करिए कि उसका जीएस से कितना मैच करता है और कितना सिलेबस आप उसको खुद से कवर कर सकते हैं या फिर दूसरे रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और जो चौथा सबसे बड़ा पॉइंट होता है, इसको मत भूलिए कभी भी, कि रिसोर्स, अगर आपने ऐसा कोई भी सब्जेक्ट है, आप देखिए अगर वीडियोस देखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, आप लोग देखते हैं जैसे कि
जो कन्नड़ हिंदी होती है, संस्कृत होती है, इनकी जो परसेंटेज होती है, सक्सेस रेट होता है इसका बहुत हाई होता है। आपने देखा होगा कि उसका रिजल्ट आता है 100% आता है, कभी 70% उसका रिजल्ट आता है। तो आपको लगेगा कि यार जो कन्नड़ हिंदी है, लिटरेचर है, ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट कर रही है, तो क्यों ना मैं भी कन्नड़ और हिंदी लिटरेचर, साहित्य हिंदी क्यों ना ले लूँ। ओके, तो आपको यहाँ पर जो डाटा देखते हैं ना, कभी कभार ऐसा होता है कि जो डाटा होता है वो हमें गलत राह में ले चला जाता है। कैसे? आप देखिए इसका 100% 70% कैसे हो जाता है रेशियो, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं लिटरेचर हिंदी या फिर कन्नड़ हिंदी का मान लेते हैं, जो कन्नड़ हिंदी है उसका एक स्टूडेंट है जिसने मेंस दिया है और इसका सिलेक्शन हो गया, तो इसका रिजल्ट तो जाहिर सी बात है 100% हो जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे कि मान लेते हैं ज्योग्राफी या फिर अदर कोई भी सब्जेक्ट है, उसके मान लेते हैं 100 जो एस्पिरेंट थे उन्होंने मेंस दिया, और उसमें से अगर उसमें से 10 लोगों का हो गया, ओके, तो सिलेक्शन तो इनका ज़्यादा हुआ लेकिन रेशियो भी तो इनका 10% आ जाएगा। ज्योग्राफी वालों का सिलेक्शन तो ज़्यादा है लेकिन उनका रेशियो कम है, ओके। लेकिन कन्नड़ वालों का सिलेक्शन किसका हुआ? एक ही का हुआ लेकिन फिर भी वो 100% है। तो डाटा होता है वो कभी कभार आपको गलत तरह से, आपको कभी भी डाटा होता है उस पर देख करके मत जाइए। आप खुद से एनालिसिस करिए, खुद से सोचिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, कौन से नहीं लगते हैं। तो डाटा है वो, एक बार मैं उस डाटा पर भी एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी आप डाटे पर मत जाइए, ओके। अभी आपको क्या करना है, आपको सिलेबस ठीक से अच्छे से रीड करना है, सिलेबस को देखना है, और फिर उसके बाद मान लेते हैं अब आपने चूज़ कर लिया कि एक सब्जेक्ट आपको, जैसे कि मान लेते हैं आपको 3 सब्जेक्ट आपको अच्छे लगे, ओके, कि आपको इनमें इंटरेस्ट आ रहा है। अब इन तीनों के अगर आपको 3 सब्जेक्ट अच्छे लगे तो इसका सिलेबस अब आपको निकालना है, ओके। सिलेबस कहाँ से निकालना है? आप कोचिंग का निकाल सकते हैं, किसी भी कोचिंग पे साइट पर जा करके, या फिर आप जो मैं रेफ़र करता हूँ वो आप UPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ओके, उस पर जाइए, उसी पर जा करके अपना जिस सब्जेक्ट का आप देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उसका आप सिलेबस निकालिए, ओके। और इस सिलेबस में देखिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ओके, क्या क्या पढ़ना है, और अभी तक आपने GS में क्या पढ़ लिया है, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, और उनके लिए रिसोर्स क्या हैं, इसके लिए आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी। अब मान लेते हैं अगर रिसोर्स की हम बात करें, मान लेते हैं आपको संस्कृत अच्छी लगती है, ओके, आपको संस्कृत अच्छी लगती है और आपने देखा इसका जो सक्सेस रेट है वो भी 100%, मतलब कि कभी किसी ईयर अगर एक इंसान ने अगर पेपर दिया, उसका एक इंसान का अगर सिलेक्शन हो गया, तो उसका सिलेक्शन जो सक्सेस रेट आया 100%, तो आपने सोचा मैं भी संस्कृत से ले लूँ, मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपने संस्कृत ले भी ली और आपको थोड़ी बहुत अच्छी भी लगती है संस्कृत, आपको समझ में आती है, लेकिन उसका रिसोर्स ही नहीं है, अब आप उसको कैसे कवर करेंगे? मार्केट में संस्कृत के नोट्स मिले नहीं रहे, कोचिंग कहीं हो ही नहीं रही और कुछ भी है ही नहीं, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, पेपर के समय बहुत ज़्यादा भटकाव हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो ऐसा सब्जेक्ट ना लें जिसका रिसोर्स अवेलेबल नहीं है या फिर जिसका आप बना नहीं सकते। तो ये कहाँ से समझ में आएगा रिसोर्स के बारे में? सिलेबस देख के। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सिलेबस देखना है और फिर उसके बाद देखना है कि इसका जो रिसोर्स है, संसाधन है, वो अवेलेबल है नहीं है मार्केट में, कोचिंग में, कहीं भी, ओके। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके साथ में और भी कोई है आपके जान पहचान का जो सेम ऑप्शन लिया हुआ है, अगर सेम है तो आप, आपको भी वो सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो ले लीजिए, जिससे आप दोनों लोग एक दूसरे के साथ मिलके बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, कि आधा पोर्शन वो कवर कर लेंगे, आधा पोर्शन आप कवर कर लेना और एक दूसरे से डिस्कशन कर लेंगे, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि कोचिंग, देखिए मैं एक बात आपको बता दूँ, जो कोचिंग होती है वहाँ से सिलेक्शन मैक्सिमम लोगों का नहीं हो रहा है, अगर आप 100 में से देखेंगे तो 1 लोग का ही कोचिंग से सिलेक्शन हो रहा है। सिलेक्शन कहाँ से हो रहे हैं? सिलेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, जो खुद से डेडिकेटेड है, खुद से मोटिवेटेड रहते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है। और साथ में जो आप देखते हैं कि हमारी कोचिंग से या इस कोचिंग से आप 100 लोग लिख रहे हैं, 50 लोगों का IAS में हो गया, तो वो कहाँ से हो रहा है? वो लोग मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्हीं से उनका हो रहा है, और कुछ तो पैसे वैसे दे करके काम चला लेते हैं, अपने फ़ोटो वोटो निकलवा लेते हैं, और साथ में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे किसी ने किसी की टेस्ट सीरीज ले ली या फिर कुछ ले लिया, तो एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो भी नाम आ जाता है। तो जो आप रिज़ल्ट देखते हैं जिन कोचिंगों का, वो रिज़ल्ट आ रहा है वो मॉक टेस्ट से ज़्यादा आ रहा है, ना कि वो कोचिंग में पढ़ के रिज़ल्ट लेके आ रहे हैं, ओके। तो पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो, ओके।
तो यहाँ पर देखिए मैं एक बार समराइज कर देता हूँ सब कुछ, तो क्या करना है। सबसे पहले आप उस ऑप्शनल के बारे में अभी नहीं सोचना है, देखिए ऑप्शनल के बारे में अभी आपको नहीं सोचना है, आपको थोड़ा सिलेबस है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि सिलेबस क्या है, तो उसके बाद फिर आप ऑप्शनल के बारे में सोचिए, फिर आपका बैकग्राउंड देखिए, उसके बाद आपको किन किन सब्जेक्टों में इंटरेस्ट आ रहा है, फिर उस सब्जेक्ट का आप सिलेबस देखिए कि उसमें सिलेबस में कितना आप कवर कर सकते हैं, कितनी की आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, कितने पर आपको वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, कितने पर क्या पड़ेगी, और उनके रिसोर्स देख लीजिए। मान लेते हैं आप दिल्ली के आसपास या कहीं रहते हैं, वहाँ तो मैक्सिमम जो सब्जेक्ट है उनके रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर आपने अगर मान लेते हैं अब अगर आपने इसे कन्नड़ ले ली, कन्नड़ का आपको नॉर्थ इंडिया में नोट्स ही मिलना महंगा पड़ जाएगा, तो ऐसे सब्जेक्ट मत लीजिए। ओके, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि कुछ सब्जेक्ट हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं लिए जाते हैं, जैसे कि एक हो गया ज्योग्राफी, ओके, और एक क्यों है ये भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दूंगा, और एक है हिस्ट्री। आप तीसरा देख सकते हैं कि जो सोशियोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा लिया जाता है, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है ये भी बहुत ज़्यादा लिया जाता है, इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हिंदी लिटरेचर है इसे भी बहुत ज़्यादा लिया जाता है। तो ये कुछ सब्जेक्ट हैं ये काफ़ी ज़्यादा लिए जाते हैं ऑप्शनल के रूप में, इसलिए लिए जाते हैं। अगर आप इसका पोर्शन देखेंगे तो इसका जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा जीएस से और पीटी से मिलता है, ओके, तो जो जीएस और पीटी में भी काफ़ी हेल्प करता है, साथ में आपका ऐसे में भी काफ़ी हेल्प करता है, इसीलिए लोग इसको ज़्यादा लेते हैं। अगर आप ज्योग्राफी लेना चाहते हैं तो ये मैं भी कवर करा सकता हूँ, अगर आप यहाँ पर सोशियोलॉजी लेना चाहते हैं तो इस हमारे जो चैनल है इस पे यहाँ पर कवर हो जाएगा, अगर ज्योग्राफी आप लेना चाहते हैं तो इसकी तो मैं पूरी भी तैयारी करा सकता हूँ एकदम A to Z। ओके, तो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कमेंट करिए, अगर 100 लोग हो गए तो मैं यहाँ पर ज्योग्राफी का पूरा प्रोग्राम लॉन्च कर दूंगा जो पूरा एक साल का होगा, और इसमें हम पूरा जो ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा उसको कवर करेंगे। ओके, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे चैनल से कैसे ज्वाइन होना है, इसका कुछ प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ, जिससे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो एकदम बेसिक नहीं जानते हैं तो वो कैसे सर्च करेंगे। ओके, जैसे हमारा यूट्यूब है, आप यूट्यूब में जाएंगे, मोबाइल का इंटरफेस थोड़ा अलग दिखेगा, मेरा टैब इसलिए थोड़ा अलग दिख रहा है तो परेशान ना होइए, तो सर्च बॉक्स में जाकर के आपको सिंपल लिखना है क्लब IAS और एस्पिरेंट। देखिए स्पेलिंग ध्यान रखिए, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल सबसे टॉप पर दिख जाएगा, तो इस पर क्लिक करिए आप हमारे चैनल पर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये हमारा लोगो है, लोगो ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको ऊपर देखिएगा होम, वीडियो और प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट वाले पे क्लिक करना है, और देखिए यहाँ पर बहुत सारी आपको प्लेलिस्ट दिख जाएंगी, लेकिन आपको यहाँ पर क्लिक करना है 1 ईयर प्रोग्राम वाले पर, इसके अगर आप ये देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ, देखिए इसका इंटरफेस थोड़ा अलग है, लेकिन आप जब प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो उसमें बहुत सारी वीडियो देखेंगे, तो आपको ये सारी वीडियो देखनी है। ओके, वन बाय वन करके देखिए आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए IAS के पेपर, दूसरी बात आती है कि आपको हमारे टेलीग्राम से कैसे ज्वाइन करना है। जैसे ही मेरा टेलीग्राम है, ये देखिए टैब है, तो इसमें थोड़ा सा इंटरफेस अलग दिख रहा है, लेकिन आपके मोबाइल में इंटरफेस अलग दिख रहा होगा। मान लीजिए इधर का जो है, इधर का जो पोर्शन है, ये देखिए ये वाला पोर्शन है, मान लीजिए आपका मोबाइल है, तो यहाँ कहीं पर आपको ऊपर ही आपको जो होम पेज होता है, होम पेज पर ही आपको एक सर्च का बॉक्स दिखेगा, वहाँ पर आपको सर्च करना है हमारा चैनल क्लब IAS एस्पिरेंट। तो जैसे सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल दिख जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं हमारा चैनल इधर, इसमें देखिए इंटरफेस थोड़ा अलग है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइए। अब देखिए सबसे बड़ी बात आती है, आप लोग मुझसे बहुत सारे स्टडी मटेरियल मांगते हैं, अब देखिए स्टडी मटेरियल कैसे आपको सर्च करना है, कैसे लेना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं, अब देखिए आप हमारे चैनल पर आ जाएंगे तो देखिए ऊपर आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स दिखेगा, तो वहाँ पर आपको जो भी स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना है वो आपको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे मुझे घटना चक्र चाहिए, तो मैंने घटना चक्र यहाँ पर घटना लिखा और सर्च कर दिया। देखिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी रिजल्ट होंगे, और यहाँ पर आप टैप कर करके ऊपर नीचे जा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो डाउनलोड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप बार बार मुझसे स्टडी मटेरियल नहीं मांगेंगे, क्योंकि मैंने इसमें 4000 से ज़्यादा PDF सेंड कर चुका हूँ, तो लगभग मैं जो भी आप स्टडी मटेरियल मांगते हैं वो भी मैं यहाँ से ही आपको देता हूँ, तो आप खुद भी यहाँ से सर्च करके ले सकते हैं। जैसे मैं एक और दिखा देता हूँ, जैसे कि आपको पॉलिटी चाहिए, तो यहाँ पर जाकर आपको पॉलिटी लिखना है, पॉलिटी लिखने के बाद सर्च करिए। अब देखिए आपको यहाँ पर 239 आपको यहाँ पर रिजल्ट दिख रहे हैं, आप यहाँ से आप टैप कर करके ऐसे जा सकते हैं,
और देखिए आपको सभी तरह का यहाँ पर स्टडी मटेरियल दिख जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अभी ये नेट मेरा थोड़ा स्लो है तो इसलिए डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।